हेलो दोस्तों, मैं जगत नारायण राधा वल्लभ गोपाल इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सेकेंड सेमेस्टर BMCE में मैकेनिकल पार्ट, सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर BMEE में मैकेनिकल पार्ट में खंड मशीन कंपोनेंट्स मशीनी अवयव में अध्याय नंबर 3 पिन कटर तथा नकल जॉइंट। आइए शुरू करते हैं पिंस। आइए शुरू करते हैं पिंस। पिंस एक युक्ति होती है, डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से हम अस्थायी बांध बनाते हैं, ठीक। और इसका सेप बेलनाकार या टेपर होता है। इसको नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। पिन का प्रयोग जोड़े जाने वाले अंगों अंग जिसमें पहले से ही क्या होता है, हमारा छिद्र बना होता है, उसमें डाल करके क्या डाल करके पिन हम क्या करते हैं, एक अस्थाई बंध तैयार करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा पार्ट वन है और ये हमारा पार्ट टू, इसको इसमें हमें फिट करना है और एक बंध भी तैयार करना है। इसका सेप फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल क्या है, एक सेप का है और ये दूसरा पार्ट है। इसको अगर इसमें फिट करते हैं, अगर थोड़ा सा टेढ़ करते हैं तो क्या करेगा, ये आसानी से बाहर निकल सकता है। इसको अस्थायी बनाने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, पिन का प्रयोग करते हैं। जिसमें हमें क्या पहले से ही होल बना होता है, इस होल में इस पिन को डाल करके फैला देते हैं और ये क्या करता है, हमारा अस्थायी बंध तैयार हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। और ये बना पिन को हम मृदु इस्पात को क्या करते हैं, कठोर हार्ड तथा ग्राइंड करके बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। हाँ, आइए देखते हैं पिन जोड़ के आधार पर दो प्रकार के कौन कौन से, पिक के लिए यानी तुरंत मोचन पिन स्ट्रेंथ, दूसरा होती है अर्धस्थायी यानी सेमी परमानेंट। अब देखिए इसमें तो एक खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन अर्धस्थायी में ये दो भागों में बांटा जाता है अपने शेप के आधार पर। पहला मशीन पिन, दूसरा तेज बंधन मतलब रेडियली लॉकिंग। मशीन पिन मुख्यतः पांच प्रकार की होती हैं, जैसे पहले कॉटन पिन, दूसरे डबल पिन, टेपर पिन, क्लेवेस पिन तथा सेफ्टी पिन। और तेज बंधन अर्थात रेडियली लॉकिंग दो प्रकार की होती है, पहला खाचेदार पिन, दूसरा स्प्रिंग पिन। नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पिक रिलीज, तुरंत मोचन पिन स्ट्रेंथ क्या होती है, हेडिंग है तुरंत मोचन पिन स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं तुरंत विमोचन पिन स्ट्रेंथ। इस पिन को हम सुगमतापूर्वक निकाल और फिट कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें इसे आसानी से निकाला लगाया जा सकता है, लगाना है। इसका सेप टी के आकार का होता है, इसलिए इसे हम टी हैंडल से पिन भी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कहाँ पर लगाया जाता है। ट्रैक्टर और ट्राली आप सब जानते ही होंगे। देखिए एक ट्रैक्टर है और एक ट्राली है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ये देखिए ट्रैक्टर और ट्राली के बीच ये नकल जॉइंट जैसा एक बना होता है जिसमें हम ये पिन फिट करते हैं। ट्रैक्टर को हम पीछे लाते हैं, ट्राली यहीं रहती है और इसमें क्या करते हैं, ये वाले पार्ट में आकर के फिट होता है कुछ इस टाइप में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पिन को ऊपर से ऐसे लगा देते हैं, और जब हमको ट्राली की आवश्यकता नहीं होती, केवल
की आवश्यकता होती है, इस पिन को हम आसानी से निकाल देते हैं और टायर ट्रैक्टर को लेकर चले जाते हैं, टायर को हम छोड़ देते हैं। इसका दैनिक जीवन में यहाँ पर प्रयोग उपयोग देखते हैं। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा अर्ध स्थायी पेन की तरह सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट, परमानेंट मतलब स्थायी, मतलब क्यों बिल्कुल फिक्स, लेकिन इसके आगे लगे सेमी स्थायी तो है लेकिन फिर कैसा आधा, मतलब इसको लगाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है इस पिन को लगाने के लिए। आइए इसको देखते हैं। इस जोड़ में पिन को लगाने के लिए बाहरी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बाहरी फोर्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है जो होल्स है हमारा और पिन है, इन दोनों का साइज बहुत कम होगा, अर्थात ये आपस में क्या होंगी, कसी रहेंगे और इसे आसानी से नहीं लगाया जा सकता है और नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसे लगाने के लिए हमें बाहरी बल या प्रेशर की आवश्यकता होती है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगला पॉइंट। आइए देखते हैं अर्धस्थायी पिन स्ट्रैक में नंबर वन मशीन पिन। मशीन पिन में एक आइए देखते हैं कॉटर पिन या स्प्लिट पिन। कॉटर पिन या स्प्लिट पिन को हम एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है हमारा सेमी सर्कुलर, एक सर्किल है पूरा, उसको अगर दो पार्ट में कट करते हैं, दो पार्ट में बन जाता है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा कौन सा है, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर तो ये कैसा है, सेमी सर्कुलर मतलब अर्ध वृत्ताकार। इस वायर का काट होता हमारा अर्ध वृत्ताकार होता है, जिसे हम फोल्ड करके क्या करते हैं, इस पिन को बना लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका प्रयोग। इसका प्रयोग हम सामान्यतः नट बोल्ट रिवेट की तरह यूज करते हैं, रिवेट यानी साइकिल के पीछे सीट, या कभी नट और बोल्ट को आपस में जोड़ने के लिए एक बोल्ट में होल होता है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। नट और बोल्ट तो नहीं हमारे गांव से अस्थाई, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कभी कभी हमारी मशीनें चलते चलते वाइब्रेट करने लगती हैं, जिससे हमारे नट क्या होते हैं, खुल जाते हैं। इसको खुलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से पिन लगा देते हैं, इसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आइए देखते हैं मशीन में अगला नंबर टेपर पिन। टेपर का आकार, टेपर मतलब एक सिरे पर जिसका व्यास ज्यादा तथा दूसरे पर उसका व्यास कम हो। इसकी भी आकृति बेलनाकार होती है, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका व्यास ज्यादा और इसका व्यास कम है। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रयोग शाफ्ट के स्पर्श से होकर जाएगा ये पिन, तो ये स्पर्शी या टेंजेंशियल कहलाएगी। अगर ये शाफ्ट के रेडियस से होकर जाएगी तो रेजी पिन कहलाएगी, रेजी पेपर पिन कहलाएगी। अब देखते हैं इसका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में कहाँ पर देखते हैं। आप सभी के घरों में साइकिल तो होगी ही, साइकिल में यहाँ पर एक हब टाइप का बना होता है जिसमें एक धुरा लगा होता है, धुरा कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम शाफ्ट दर्शाए हैं और ये पिन दर्शाए हैं। आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम डेली लाइफ में कहाँ पर देखते हैं। आप सभी के घरों में साइकिल तो होगी ही, यहाँ पर एक शाफ्ट लगी होती है, तो शाफ्ट में हम इस पिन को कैसे फिट करते हैं, इस लीवर को देखते हैं।
ये बीच में हमारी साफ हो गई और फिर उसके ऊपर से हम लीवर को लगा करके छोड़ देते हैं। जब हम लीवर को लगाकर साफ में छोड़ते हैं तो क्या करती है, फ्री हो जाती है, उसका इससे कोई तरुआ नहीं रहता। फिर क्या करते हैं, हम एक पेपर पिन लाते हैं, ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन जब तक हम इसको अच्छे से लगाएंगे नहीं तब तक ये फ्री होती भी नहीं जाएगी। ऊपर से क्या करते हैं, एक हैमर लाते हैं और स्ट्राइक करके इसको अंदर लगा देते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले पिन जिसका नाम है क्लेविस पिन। यह पिन भी सभी पिनों की तरह बेलनाकारी होती है, लेकिन इसमें बस अंतर इतना होता है कि इसके एक सिरे पर क्या बना होता है, हेड, जैसा कि यहाँ की आप देख सकते हैं, तथा दूसरे सिरे पर एक टेपर छिद्र बना होता है जिसमें हम एक एक पिन डाल करके इसको हम क्या करते हैं, अपने अस्थाई बना देते हैं। इसका प्रयोग हम डेली लाइफ में बाइक में देख सकते हैं, बाइक में देखते हैं, बाइक में हमारा यहाँ पे गियर बॉक्स लगा होता है, गियर बॉक्स से यहाँ पे गियर शॉफ्ट निकली होती है तथा यहाँ पर एक रॉड होता है और इन्हीं दोनों के बीच में हमारी क्या लगी थी, क्लेविस पिन लगी होती है ऐसे। जब हम इसको यहाँ से पुश करते हैं ऐसे डाउन की तरफ तो क्या करती है, ये इसके साथ इसको मोशन दे देती है और ये क्या करता है, यहाँ से गियर बॉक्स के अंदर जो शॉफ्ट लगी होती है घूम जाती है और तथा ये जो हमारा रॉड है ये जब हमारा ये स्टार्ट हो जाता है इंजन तो क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं फिर ऐसे घुमा देते हैं, क्या करता है ये यहाँ से इस साइड हमारा घूम जाता है। अर्थात ये क्या कर एक और काम करती है, अपने एक्सिस पे क्या करते हैं मोशन को भी अलाउ करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। एक बार और इसका प्रयोग हम नकल ज्वाइंट में ही करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नकल ज्वाइंट हमारा बना गया है। जब हम नकल ज्वाइंट बनाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे इस पेन को और नकल ज्वाइंट को भी देखेंगे, बना लीजिए। आइए हम अपने अगले पिन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डबल पिन। इस पिन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें कई परतदार पत्तियों को क्या करना होता है, आपस में जोड़ना होता है, क्योंकि यह पिन लगाने से हमें उसकी यथार्थ संरेखण यानी एक्यूरेट अलाइनमेंट पट्टियों के बीच में होती है उसका निर्धारण हम आसानी से कर लेते हैं। इसको बना लीजिए फिर अगले पर चलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक दो पट्टियाँ हमारी जिसे आपस में क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक होल बना होता है, पंच और डाई लेते हैं जिसे दोनों पट्टियों के बीच के ऊपर हम डाई रखते हैं ऊपर से पंच। सपोज इन दोनों पट्टियों को क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है, तो पहली पट्टी ऐसे रखते हैं, दूसरी पट्टी इसके नीचे रख लेते हैं ऐसे। रखने के बाद हम इसे डाई और पंच की सहायता से होल करते हैं इसमें, जब इस पे हैमर से प्रहार करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें होल क्रिएट कर देता है जिसकी सहायता से, और ये होल इसमें भी हो जाता है साथ में होता है ये होल दोनों। और क्या करते हैं इसके बाद हम डॉयल पिन लाते हैं और इसको बांध देते हैं, क्योंकि अगर हम बांधेंगे नहीं इसमें डालेंगे नहीं तो हमें जो दूसरी जगह अगर होल करना है तो ये हमारा होल क्या होगा, घट और बढ़ सकता है, ये इसमें कम हो जाएगा या इसमें कम हो जाएगा। इसीलिए एक्यूरेट बनाने के लिए यथार्थ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पहले डॉयल पिन लगा देते हैं, बना लीजिए फिर अगले पिन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं जब हमारे शाफ्ट अत्यधिक टॉर्क पारित करती है, ट्रांसमिट करती है, तो क्या करती है, ये पिन सुरक्षा की दृष्टि से ये असफल हो जाते हैं और हमारा ये जो स्प्रॉकेट है ये क्या करता है, असफल खराब होने से बच जाता है। नोट डाउन कर लीजिए फिर हम अगले पिन की तरफ चलते हैं, रेडियल पिन। आगे देखते हैं अपने दूसरे पिन तेजनंदन पिन यानी रेडियल पिन। पिन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर संघट्ट भार का मान या संघट्ट भार का मान ज़्यादा हो या कंपन का मान ज़्यादा हो वहाँ पर करते हैं। यह पिन हमारी दो प्रकार की होती है, पहली है खांचेदार पिन यानी ग्रूव, जिसमें क्या होते हैं हमारे जिस पिन में खांचे कटे होते हैं। इस खांचे कटे होने का मतलब इसको जब हम होल में डाल करके ऊपर से
हैमर से स्ट्राइकिंग करते हैं, क्या होता है, ये खांसी होने के कारण इसका व्यास थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये गोल की परिधि में आकर के गोल्स की परिधि पर आकर के आसानी से फिट हो जाती है और कसी रहती है। तथा दूसरी पिन है हमारी स्प्रिंग पिन। ये स्प्रिंग पिन हमारी रेडियली कंप्रेस होकर के होल में फिट होती है। जब ऊपर से हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, निचला सिरा कम होता कंप्रेस होता है और ये टेंसाइल में जाता है। तो क्या करता है, ये हमारा जो होल होता है होल के सर्कमफ्रेंस पे दृढ़तापूर्वक आकर के कस जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, हमारी पिन यहाँ पर समाप्त होती है। हाँ, तो हमारा पार्ट वन पिन जो कि समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नकल जॉइंट एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे पटर जॉइंट। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा।